सो हेलो एवरीबडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं आपका वेलकम करता हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी सुपर मोटो एक्सपल्स, और आई थिंक कह सकता हूं उसको सुपर मोटो पल्स के बारे में। तो अभी चलता हूं नीचे, दिखाता हूं मेरी बाइक क्या कुछ मैंने चेंजेस और करे हैं। मैं मतलब अपडेट्स बता रहा हूँ नॉर्मल एक्सपल्स के मुकाबले उसमें क्या क्या चेंज हो चुका है अभी तक, और दिखाता हूँ कि मैं उसमें क्या मेंटेनेंस टिप्स आपको बताने वाला हूँ आज। तो चलो चलते हैं नीचे मेरी पार्किंग तक। सो हियर इज अवर सुपर मोटो पल्स, और मैं इसमें कुछ चेंज बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख रहे होंगे मिरर्स का प्लेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो ब्रेक लीवर और कैलिपर है और ये क्लच का, ये दोनों ही हीरो के नहीं है। ये मैंने इसमें लगा रखा है बजाज पल्सर RS 200 का मास्टर सिलेंडर, और ये ब्रेक जो लाइन है इतना यहाँ से लेकर ब्रेक लाइन ओरिजिनल है। ये मास्टर सिलेंडर ये है बजाज का, और ये भी बजाज RS 200 का है। जो मैं बस प्रीवियसली RS 200 थी, तो मैंने बजाज में जाकर सेंटर से दोनों चीज़ परचेज करी थी और इसमें लगाई थी। और दूसरी चीज़, हैंडल बार के एंड्स में नॉर्मली एक्सपल्स में जो आता है वहाँ पे, यहाँ पे एक प्लास्टिक का बार एंड आता है, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले से मैंने मेटल के भी लगाए हुए थे, मैं उससे भी वो अच्छे लगे। तो जब मैंने हिमालयन दी, मेरी प्रीवियस मेरे पास हिमालयन थी, तो उसको देने से पहले मैंने उसमें से ये बार एंड मतलब हैंडल गार्ड, नकल गार्ड जो भी कह सकते हो, इनको हटा लिया था। तो अभी मैंने इनका मेटल पार्ट ही लगा रखा है। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, कुछ को पसंद आता, मुझे ये अच्छा लगता है। तो इसलिए अभी मैंने ये लगा रखा है इसमें, और एक इसमें राइजर्स लगे हुए हैं आगे। अभी तक ये अपडेट, और हाँ, इसकी एयर फिल्टर की तो मैंने पहले ही बनाई थी। जब मैंने एयर फिल्टर बनाया था इसका, फोम एयर फिल्टर, तो मैंने उसकी वीडियोस बना रखी है। मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगा, मैं ऊपर इसमें कॉर्नर में लिंक दे दूंगा वीडियो का, अगर देखने तुम देख सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ अभी उसको भी क्लीन करने की, काफ़ी टाइम पहले हो गया, महीना ऑलमोस्ट मंथ हो गया था मैं उसको क्लीन किया था। तो अभी देखते हैं एयर फिल्टर की कंडीशन कैसे रहती है, और ये मैंने तुम्हें अपडेट्स दे दी। हाँ, अगर तुम राइजर्स लगाते हो तो यहाँ से कई बार तुम्हारी वायर्स हैं वो खींचती हैं, तो तुम देख लेना बेटर प्लेस उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने की। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा लूज़ किया हुआ है, ये पहले बहुत हार्ड रहती थी, मैंने इसको थोड़ा अंदर से लाइनिंग को खींच के थोड़ा सा लूज़ किया था। बाकी तीसरी अपडेट ये है कि मैंने इसका ABS बंद कर दिया है। अब मुझे पता नहीं, मतलब छोटा टायर लगने के बाद मुझे पता नहीं क्यों फील नहीं आ रही थी ABS वाली, कि मुझे ABS यूज़ करना चाहिए। मुझे ब्रेकिंग के टाइम पर काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहा था, मतलब ब्रेकिंग इतनी अट्रैक्टिव या फिर कह सकते हो तुम इतनी एग्रेसिव फील नहीं हो रही थी कि ब्रेक मार मैं ब्रेक लगाऊँ और एकदम बाइक एकदम क्विक रिस्पॉन्स दे ब्रेकिंग वाला। तो मैंने इसके ABS बंद कर दिए। ABS बंद मैंने ऐसे किया कि जो ये ABS का सेंसर होता है, मैंने इसका प्लग निकाला हुआ है और इसको एज इट इज़ नॉर्मली यहीं पर टाइटन करके छोड़ा हुआ है, ताकि बाहर ना गिरे। और ये इसका ABS का हमारा वो होता है सेंसर, ये सेंसर है, ये ABS की प्लेट है, यहाँ से वो डिटेक्ट करता है जब ये राउंड रोटेट करती है, तो इसमें से बीम पास थ्रू होती है, तो ABS सेंसर को सिग्नल जाता है कि डिस्क रोटेट हो रही है। तो वो स्पीड के अकॉर्डिंग अपने आप जो कंप्यूटर है इसका, ABS का कंप्यूटर है, वो अपने आप सेंस करते थे। तो मैंने इसको बंद कर दिया, उसके बाद मुझे तो ब्रेकिंग काफ़ी हद तक अच्छी लगी। तुम कर रहे हो तो तुम डिसाइड कर सकते हो भाई तुम्हें कैसा अच्छा लगता है ब्रेकिंग। मैं एक बात कहूँगा भाई, ABS बंद करने के बाद स्टॉपीज बहुत ईजी लग रही हैं, बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं हो रहा। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत स्टॉपी मार रहे हैं, प्रैक्टिस है, तुम ईजिली स्टॉपी कर लोगे। फ्यूचर में इसमें काफ़ी सारे चेंज होने वाले हैं। अभी ये कर लो तुम पहले, यार पड़ोस में घर में काम चल रहा है तो अभी आवाज़ आएगी। हाँ, तो भाई मैंने पिछली बार बोला था कि यहाँ से कुछ साउंड आ रही है मेरे को बाइक चलाते टाइम छन छनाहट की, तो वो एक्चुअली स्पोक्स की नहीं थी, व्हील बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है, वो आवाज़ थी इसकी। मैं दिखा देता हूँ पर्टिकुलर, यहाँ पे देख रहे होगे आप, मैंने यहाँ पे 3 वॉशर्स लगाए हुए हैं। तो ये जो है इसके अंदर बोल्ट के अंदर थोड़ा सा गैप था, तो वो इसके और उसमें टाइट नहीं हो रहा था पूरा, ये थोड़ा सा लूज था, इसमें 4 बोल्टों में गैप था, तो ये थोड़ा सा लूज था इनके बीच में। तो अभी मैंने 4 बोल्टों में ऐसे थोड़े स्पेसर डाले हैं ताकि ये बराबर मैच और ये टाइट हो जाए। तो अभी इस नग है, तो उस टाइम की इसकी आवाज़ आ रही थी छनछनाने की, तो मुझे लगा कि रिम से आ रही है, न्यू रिम बना है, पता नहीं ठीक बना नहीं बना। तो भाई रहता है एक बार के लिए, थोड़ा बहुत भरोसा नहीं होता कई बार बंदों को, तो वो उसी की थी, तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। रिम में कोई इशू नहीं था, वो उसका इशू था। अगर भाई तुम भी अगर मटका हटा रहे हो और तुम ये लगा रहे हो दोनों में स्पेस बराबर रखने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना कि इसमें तुम्हें कुछ वॉशर डालने पड़ेंगे ताकि ये छनछनाए ना, नहीं तो तुम्हें भी आवाज़ आएगी ऐसी छनछनाहट टाइप की। दूसरी चीज़, ये हमारा यहाँ पर थ्रॉटल बॉडी होती है, तो नॉर्मली यहाँ पर रेस में होता है थोड़ा सा प्ले, मेरे में देख रहे हो बिल्कुल प्ले नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी क्विक थ्रॉटल जैसा बना दिया है। क्विक थ्रॉटल ऐसे ही काम करता है, वो बहुत फास्ट वर्क करता है, और भाई मुझे नहीं लगता कि सिटी राइड्स के लिए मुझे क्विक थ्रॉटल लगाना चाहिए, ऐसी अच्छी कंडीशंस नहीं है कि क्विक थ्रॉटल लगाऊं, और ऊपर से क्विक थ्रॉटल यहाँ पे थोड़ा सा बल्की हो जाता है। वैसे इसका स्विच बोर्ड इतना यहाँ पे बल्की है, तो मैं एक और बल्की चीज़ यहाँ पे लगा कर इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्विक थ्रॉटल नहीं लगाया। मैंने इसी को थोड़ा क्विक थ्रॉटल की तरह मॉडिफाई कर दिया, मैंने इसका प्ले ख़त्म कर दिया। प्ले ख़त्म करने से अभी ये कि ये झटपट थ्रॉटल ज़्यादा लेता है, इतना ही फर्क है। मैन्यूवर तुम इजीली कर सकते हो, एक दो दिन में जैसे आदत हो जाएगी तुम्हें, तो कोई इशू नहीं है। ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा अभी, क्योंकि मैं इसमें
हमारी थ्रॉटल वायर को लूप करने वाला हूँ। मुझे लगता है थोड़ा बहुत हार्ड हो गया ओवर द टाइम, कभी लूप नहीं हुई, चेंज नहीं होगी, तो मैं इसको लूप करने की ट्राई करूँगा। अगर सॉफ्ट हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फ्यूचर में इसकी थ्रॉटल वायर भी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। और साथ साथ मैं सोच रहा हूँ क्लच वायर को भी थोड़ा सा लूप कर लूँगा। भाई कर रहे हैं तो मेंटेनेंस दोनों के एक साथ ही कर लेने चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। तो और भी कुछ चेक करते हैं, जैसे कि इसके एयर फिल्टर की मैंने बोली थी, इसके एयर फिल्टर को भी चेक करेंगे अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं, पहले स्विच ऑर्डर खोलता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि मैं कैसे लूप करने वाला हूँ। तो स्विच बोर्ड में यहाँ पे नीचे होते हैं दो बोल्ट, एक इधर होता है एक उधर होता है। मैं थोड़ी बाद में आपको वीडियो डाल दूंगा, जरा मैं इसको तब तक अनबोल्ट कर लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छी प्लेस है, अगर आपको एक दो बोल्ट खोलने हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हो, काफ़ी इजीली हैंडल हो जाते हैं यहाँ पे। और अभी बारह बारी हमारी थ्रोटल की, तो थ्रोटल वायर के साथ सीन ऐसा है, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, बस निकाल दिया। ऐसा हमारा थ्रोटल, और मैं सोच रहा हूँ इसको खोल लेता हूँ, अगर एक खुल जाएगा तो क्या। यहाँ से बहुत कम जगह है इसमें लूप डालने के लिए कुछ भी, हाँ तो भाई इसको लिया खोल, ये थोड़ा सा लूज करना था और इसमें थोड़ा सा घुमा के निकालना था, इसको ट्विस्ट करके निकल गया। और अब हम यहाँ से डालेंगे लूप ताकि वो वायर के अंदर जाए और पूरा नीचे थोड़ी बॉडी तक जितना वायर है उसके अंदर पूरी से सकते। तो मैं इसको लूप करने के पहले डालूंगा इसमें WD-40। हाँ तो भाई ये हमारी थ्रोटल वायर, मैंने इसको फ्री कर दिया है, यहाँ से मैंने थ्रोटल बॉडी में से वायर को खोल दिया है बिल्कुल ही, तो यहाँ से फ्री हो गया थ्रोटल बॉडी में से सब कुछ बिल्कुल ही ठीक है। अभी इसको लूप करेंगे और देख सकते हो थोड़ा बहुत तो ये रफ हो रहा है। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी बढ़िया ट्रिक देखी थी यूट्यूब पे, एक और चैनल है केओस कॉसिस करके, केओस कॉसिस ऐसा ही कुछ जिसका नाम है, तो फॉरन बाहर का बंदा है, मैं उसको काफ़ी देखता हूँ। तो उसने तो यूज़ किया था वो जो जिप लॉक वाले होते हैं ना बैग्स, छोटे छोटे पाउच आते हैं, तो मेरे को वो मिला नहीं घर पे, तो मैंने नॉर्मल पॉलिथीन दे दी। अब करना क्या है, इसमें छेद करके एक छोटा सा यहाँ पे और यहाँ पे डालना है और दिखाता हूँ। फिर उसने रबड़ बैंड यूज़ किया था, मेरे पास रबड़ बैंड भी नहीं मिले घर पे, भाई अब क्या करें, कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ नहीं मिलती हैं। तो मैं उसकी ट्रिक ट्राई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर ऐसे ही डायरेक्ट इसमें मैं डालने जाऊँगा ना तो भाई क्या नाम है वो सब जगह स्पिल होएगा WD-40, मेरे को पता है। तो अभी करना क्या है कि इसको ऐसे डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा और पॉलीथीन को इकट्ठा करके ऐसे, तो मेरे पास वो बैग नहीं था तो इसलिए मैं जिप टाई यूज़ कर रहा हूँ। आई होप ये प्रॉपरली सील कर दे पॉली बैग को यहाँ पे, ताकि हमारा काम हो जाए इसमें। डोंट वरी, मैं जिप टाई को बाद में यहाँ से खोलने का तरीका भी बताऊँगा तुम्हें। अब आई होप कि एक वाटर रेजिस्टेंस मतलब ऑयल स्पिल होने से बचने के लायक तो बन ही गया होगा ये एरिया, यहाँ से फैलने से बचेगा। और इसकी ट्रिक ये रहेगी कि इसको ऐसे ऊपर करेंगे हम, तो यहाँ पे एक ऐसे फनल टाइप का ही बन जाएगा हल्का सा, तो बाहर भी जाने से बचाए और मैं इसके अंदर भी इजीली स्प्रे कर पाऊँगा। तो WD-40, ये रहा मेरा WD-40, इसमें ऑलरेडी नोजल लगी हुई है, तो अभी कुछ नहीं, देखो यार हाथ पे भी स्पिल होने से बचाएगा, नहीं तो चारों तरफ WD-40 फैल जाता है यार। कुछ नहीं, बस ऐसे हल्का हल्का मारो, बाकी वो धीरे धीरे पिएगा। इसको ऊपर नीचे बेंड करो ताकि वो धीरे धीरे इसके अंदर जाता जाए। अब वो तो जितना इसको ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो वो WD-40 अंदर सकुड़ता चला जाएगा धीरे धीरे। हाँ थोड़ा बहुत आपका इसमें फैला रहेगा, बट मेन चीज़ से बच जाएगा कि बाहर स्पिल होना है, चारों तरफ फैलना है, खिंडेगा नहीं कहीं भी WD-40 हमारा। तो एक बार थोड़ा सा और स्प्रे करते हैं, अभी देखते हैं। और ये देख लो भाई, यहाँ से टपकने लग गया, तुम देख सकते हो यहाँ से लीक हो रहा है, थोड़ी बॉडी गीली हो गई है, तो WD-40 सारा यहाँ से बाहर आ रहा है। अगर इसके अंदर किसी भी तरह का गंग कुछ भी होगा तो वो इसके साथ साथ बाहर आ जाएगा। हमें कुछ नहीं, हमें थोड़ी देर यहाँ से ऐसे ही वायर को अप डाउन करना है ताकि वो अंदर से WD-40 पूरी तरह से पूरी लाइन में लग जाए। तो अब एक काम करते हैं, पहले धीरे धीरे रोटेट करके इसको ऊपर निकाल लेते हैं जिप टाई को, ताकि इसको दोबारा यूज़ कर पाऊँ। इसका भी टूल तरीका है मेरे पास दोबारा यूज़ करने का, ये मेरे हाथ में एक निडल है सुई, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे जिप टाई में एक लॉक होता है, आप इसको थोड़ा सा सुई की मदद से नीचे कर लोगे तो हमारी जिप टाई रीयूज़ के लिए देखो पूरी खुल जाएगी। मैंने जिप टाई पूरी खोल ली, अब इसको दूसरे, इसको क्लच वायर में भी ऐसे ही करेंगे। पहले इसको जरा हटा लेते हैं पॉलीथीन को, देखो भाई अब जो भी था वो सिर्फ पॉलीथीन में लगा, ऑयल मेरे हाथों पर थोड़ा बहुत लगा, पूरी वायर और सारे एरिया में WD-40 फैलने से बच गया। अब मैं एक काम करूँगा, थोड़ा सा WD-40 यहाँ पर भी लगा मार देता हूँ यार, ताकि थ्रॉटल भी अच्छे से, ये भी इसके ऊपर अच्छे से ट्रैक्शन ना करे और स्मूथ रहे।
ठीक है, इसको क्लीन करता हूँ। यहाँ पे भी थ्रॉटल भी 40 मारते हैं। तो भाई GoPro की बैटरी हो गई डाउन और मैंने थ्रॉटल कह सकते हो इसको ये बाहर निकाल लिया है, इसको साफ़ कर दिया, इस पर कपड़ा मार दिया। वैसे तो मेरा कपड़ा पड़ा था, ये देख सकते हो जब इसमें डर्ट वगैरह होती है तो ये घूमने से इस पर ख़राब भी करता है धीरे धीरे, तो इसको भी एक बार क्लीन करके लुब्रिकेट करना चाहिए हमें। तो अभी इसको भी अंदर से क्लीन कर रहा हूँ, ये कपड़ा इसके अंदर डाल के क्लीन करूँगा। एक बार आर पार निकला है, देख सकते हो होल थ्रू होता है ये पूरा पूरा। ठीक है, तो इसमें कपड़ा क्लीन करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। थोड़ा WD-40 पूरी लाइन पे हल्का हल्का स्प्रे, ठीक है, और इसके साथ साथ थ्रॉटल को इसके अंदर डाल देता हूँ। देखो काफ़ी स्मूथ हो गया पहले के मुकाबले। काम कर लेते हैं, अगर वो नहीं होता तुमसे एक काम करो, तुम इसके अंदर भी थोड़ा सा लूब स्प्रे करके या फिर तुम कुछ भी इंजन ऑयल चैन लूब वगैरह कुछ भी डाल के इसमें लगा सकते हो ताकि लुब्रिकेट रहे, स्मूथ रहे। ठीक है, ओवरड्यू मत करना, थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा मत लगाना बिल्कुल भी। ठीक है, मैं एक्सेस यहाँ से साफ कर लेता हूँ। हमारी केबल क्लीन हो गई है, उसको इसमें वापस फिटिंग का टाइम आ गया है, इसमें फिट करता हूँ, फिर आप लोगों को मिलता हूँ और देखते हैं कितना सॉफ्टी हो गया है। हाँ तो भाई देख सकते हो मैंने थ्रॉटल वायर लगा ली है अपनी, ठीक है, अभी इसको बंद करने का टाइम है। और बड़ा ईजी है यार ये सब काम करना, बहुत ही। यहाँ पे नीचे वो दो बोल्ट जो मैंने निकाले थे वो लगाने हैं। मैं अब तुम्हें बोल्ट की लोकेशन दिखाता हूँ, एक बोल्ट यहाँ होता है और दूसरा बोल्ट यहाँ होता है, दिख रहा है कहीं यहाँ होता है, दूसरा बोल्ट इस एरिया में होता है। ठीक है, दोनों बोल्ट खोलने होते हैं, साथ ही खुल जाता है, दोनों बोल्ट लगा दोगे पूरा पैक हो जाएगा। इसको पैक करके मिलता हूँ, ठीक है। सुनाओ अभी टाइम है नीचे से एडजस्टमेंट करने का, और तुम यहाँ से पूरा थ्रॉटल को आउट कर दो। इधर से अब तुम्हें ये करना होता है, मतलब नॉर्मली तो पहले तुम्हें ऐसे तार फोल्ड करना होता है, उसके बाद ये लगेगा थ्रॉटल। तुम आगे भी कर सकते हो ऐसे करके, ये भी तुम्हारी हेल्प करेगा। मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, नहीं तो मैं भी ऐसे करता। मतलब भाई इसको तो मैंने डाल लिया, अभी मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ कि हम नॉर्मल थ्रॉटल को क्विक थ्रॉटल कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मल तो आपने थ्रॉटल देखे होंगे तो ऐसे प्ले होता है आपके थ्रॉटल में बहुत ज़्यादा, और क्विक थ्रॉटल में ये प्ले नहीं होता, क्योंकि थ्रॉटल बहुत जल्दी स्नैप करता है। तो मैं दिखाता हूँ वो प्ले ख़त्म कैसे करते हैं। तो जो हमारे पास ये होते हैं ना, ये हमारे प्ले एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। अब ये जो पूरी शॉप जो पूरी आपको इतनी बड़ी पिन दिख रही होगी, ये जितना नीचे को जाएगी प्ले उतना बढ़ेगा, यहाँ पे तार उतना लूज होएगा। अब ये एरिया जितना ऊपर को जाएगा उतना हमारा प्ले कम होएगा इसके अंदर, ये जितना अपर जाएगा हमारा प्ले उतना कम होगा। तो हम ऐसे जो ये हमारा अपर वाला है ना, इसका तुम काउंटर क्लॉक वाइज घुमाओ तो तुम्हारा जो नीचे से तुम देखोगे वायर टाइट हो जाता है ऐसे, ठीक है। अब इससे हमारा यहाँ पे प्ले देखो तुम, यहाँ पे हमारा प्ले बिल्कुल ख़त्म होने को हो जाता है। अभी यहाँ होता है देखो, प्ले बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्ले बचता है। ये तुम्हारी मर्ज़ी है तुम्हें कितना रखना है थोड़ी के अंदर, मैं तो इसको ख़त्म कर दूँगा अभी एडजस्टमेंट करके, ठीक है। देख सकते हो तुम कितना कम प्ले बचा है। तो ये तुम्हारे ऊपर होता है तुम्हें कितना प्ले रखना है, कितना नहीं रखना है, तुम्हें किस तरह का थ्रॉटल पसंद है। प्ले वाला थ्रॉटल पसंद है, तुम्हें नॉन प्ले विदाउट प्ले एकदम क्विक थ्रॉटल ज़्यादा रिस्पांस पसंद है, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो चलो मैं ज़रा इस सारे एरिया को पैक करता हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ तो भाई ये शूट कर रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे बाद, क्योंकि जब मैं रेस की तार डाल रहा था तो मैंने देखा था जो मेरी रेस की वायर है वो टूटने वाली थी, उसमें काफ़ी हद तक जो थ्रेड्स होते हैं स्टील थ्रेड्स जिससे बनती है वो काफ़ी टूट गए थे। तो मैं बाहर गया था, पहले तो रेस की वायर लेके आया, फिर रेस की वायर डाली, ठीक है। अभी काफ़ी देर के बाद की बात है, 2-2.5 घंटे हो गए, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली ऑलरेडी। तो रेस की तो हमारी ओके हो गई है बिल्कुल, ये देखो न्यू वायर मैंने डाल दी है, एकदम ओके वर्क कर रहा है ये, ठीक है। अभी इसका एयर फिल्टर निकालता हूँ जो हमने कस्टम बनाया था, और वो गंदा होगा तो उसको साफ़ करेंगे, क्योंकि कल संडे रहे, संडे है तो संडे को छोटा मोटा घूम के आएंगे कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ। तो अब दोबारा इस पैनल को खोलता हूँ, मिलते हैं आगे आपसे। ऊपर का पैनल उतार लिया है, और ये हमारा है एयर बॉक्स, इसके अंदर एयर फिल्टर डलता है। तो इसके बोल्ट्स होते हैं ये वाले सारे, इसके चारों तरफ ये बोल्ट्स खोलते हैं, फिर दिखाता हूँ अंदर एयर फिल्टर हमारा कैसा है। हाँ तो भाई बोल्ट सारे ओपन कर दिए मैंने, अब इसको हटाने का बारी है। और ये हमारा नॉर्मल एयर इनटेक होता है, यहाँ से हमारी हवा इनटेक होती है, दिख नहीं रहा होगा काफ़ी अंधेरा है, और यहाँ हमारा एयर फिल्टर होता है। तो ये कुछ एयर फिल्टर के हाल है, इसको भी क्लीन करेंगे वापस डालूँगा। अभी अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक लाइट बहुत कम है इधर, पता है, ये देखो मेरा हाथ लग रहा है ना, यहाँ से एयर इनटेक होती है, ये ऊपर एक रबड़ का होता है ताकि इसमें पानी वानी ना आए, वाटर से बचाने के लिए रबड़ पोशन लगाया जाता है। तो ऐसा होता है हमारा कुछ एयर बॉक्स।
तो चलो अभी इसको लेके चलते हैं ऊपर, इसको क्लीन करूँगा, इसको निकालूंगा, क्लीन करूँगा, वापस जाऊँगा, आपको दिखाते हैं सब कैसे करना है इसका। भाई ऊपर गए हैं और इसको निकालने का मैं तरीका दिखा देता हूँ। ये जो हमने ये वायर्स लगाई थी इसको बाहर निकलने से बचाने के लिए, तो इनको छेड़ना नहीं है, इसको बस ऐसे करके और बाहर खींच लेना है आपको। अभी तुमने बाहर के हाल देख लिए, अभी अंदर के देखो एक्चुअली में कितना साफ़ रहता है और कितना ज़्यादा डस्ट रोकता है। तो अब इसको क्लीन करते हैं, और इसको क्लीन करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप इसको नॉर्मली जो डिश वॉश लिक्विड होता है उससे भी साफ़ कर सकते हो, हैंड वॉश वगैरह जो होते हैं हमारे, शैम्पू वगैरह से किसी भी चीज़ साफ़ कर दो, इससे ये सारी ऑयल और ये डर्ट है हमारा बाहर निकल जाए बस। चलो इसको साफ़ करता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ तो भाई इसको कर दिया है मैंने वॉश, ये देख सकते हो तुम दोनों तरफ एकदम चमक रहा है, पर ये अभी भी गीला है। इसको सुखाने के लिए मैं एक काम करूँगा, मैं इसको टावल में रख के, और टावल या फिर तुम किसी भी कॉटन के कपड़े, जो भी कपड़ा अच्छे से पानी सोख ले उसे इसे उसके कपड़े के बीच में रखो और दोनों को एकदम अच्छे से निचोड़ दो। तो वो होगा क्या उससे कि स्पंज तो सिकुड़ जाएगा और इसके अंदर जो भी पानी है वो सारा कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मिलता हूँ इसको ज़रा सुखाने के बाद। लो भैया आप देख सकते हो इसको बिल्कुल सुखा दिया है मैंने, और अब इसको ल्यूब करने की बारी है। तो इसको ल्यूब करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इंजन ऑयल, जो मेरे पास पेट्रोलाइन का नहीं, ये उसका पड़ा है, पॉलीट्रॉन इंजन ऑयल पड़ा है मेरे पास। ये मेरा बच गया था, मैंने जो हिमालयन में डाला था उसके बाद, तो मैंने इसको बचा के रखा था। थोड़ा थोड़ा यूज़ होता रहता है मेरा हर बारी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इंजन ऑयल काम आ ही जाता है। तो इस तरह से एक बार इस पर इंजन ऑयल लगाओ, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, इसको अच्छे से ऐसे मैश कर दो। मैश करने से क्या होगा कि जो भी इसके अंदर ऑयल है अब वो ऑयल पूरे फिल्टर में अच्छे से लग जाएगा मैश करने के बाद। अब देख सकते हो मेरे हाथ भी चिकने हो गए हैं पूरी तरह से। अगर तुम्हें लगे कि ऑयल कम लगा है तुम थोड़ा बहुत ज़्यादा डाल सकते हो, पर थोड़ा सा डालना होता है क्योंकि स्पॉन्ज अच्छे से चारों तरफ फैला लेता है अपने ऑयल को। ये देख लो भाई अच्छे से इसमें ऑयल पूरे में लग गया है अभी। चलो अब इसमें उसमें वापस लगाता हूँ, दिखाता हूँ वापस लगाने में कितना ज़्यादा आसान है। हाँ तो भाई इसको लगा के दिखाता हूँ अभी। तो लगाने के लिए कुछ नहीं, पहले इसको ऐसे हाफ फोल्ड कर लो जैसा हमने पहले फ़िट किया था, इसको वैसी पोजिशन में एकदम फ़िट करो। और तुम चाहो तो या तो इधर से या इधर से किसी भी साइड से इसको अंदर इंसर्ट करो, एक साइड से पहले, जैसे मैं पहले इधर से इंसर्ट कर रहा हूँ। पहले तुम इसको अच्छे से, तो यार मैं इस तरफ डालता हूँ क्योंकि ऊपर हवा ज़्यादा नीचे से खींचता है, क्योंकि ये बाइक में डलेगा ऐसे, ये शॉर्ट वाला पार्ट अंदर हो जाएगा, लॉन्ग वाला पार्ट बाहर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे फिट करूँगा कि ये नीचे की तरफ ज़्यादा मोटा हो, ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत कम भी होगा चलेगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा हवा का प्रेशर लगता है इसमें हमेशा। तो अभी इसको ऐसे मोड़ लिया हमने, और इसको यहाँ से अंदर डालो, देख रहे हो आप लोग, इसको यहाँ से अंदर, यहाँ से और अंदर, यहाँ से और अंदर। जब एक बार तुम इसको यहाँ से पूरे अच्छे से अंदर इस तरफ कर दो, तो इधर से भी ऐसे वायर के नीचे दबा दो। अब तुम देखोगे कि ये अच्छे से फिट नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हें अभी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर अच्छे से। तो उसके लिए तुम अभी इसको खींचो इधर उधर थोड़ा सा लेफ़्ट राइट, ताकि ये दोनों साइड प्रॉपर फिट आए और ये ऐसे एक्स्ट्रा बाहर ना निकले। जहाँ पर नॉर्मल पेपर एयर फिल्टर जो होते हैं वो हमारे इससे पहले, अभी तक तो नॉर्मल पेपर एयर फिल्टर पूरा चौक हो चुका होता, वो हमें चेंज करना पड़ता, न्यू लगाना पड़ता, और उसका एयर फ्लो भी बहुत कम हो जाता है। इस एयर फिल्टर में, फोम एयर फिल्टर के साथ क्या है कि इसका एयर फ्लो ख़त्म नहीं होता जल्दी से, और ये बार बार क्लीन करके रीयूजेबल रहते हैं। इसको अच्छे से एक बार एक कॉर्नर में बिठाओ तुम, जैसे कि यहाँ है, अब इन कॉर्नर्स में जो है अच्छे से पैक करना होता है इसको अच्छे से, ताकि हवा लीक ना हो कॉर्नर्स में से। इसलिए मैं कह रहा था कि एक साइड कम भी हो चलेगा आपको, तो आपकी दूसरी साइड बराबर रहनी चाहिए। ऊपर कम भी है मुझे कोई इशू नहीं है, पर अच्छे से कॉर्नर्स में बस फिट है वो, यही चाहिए हमें कि कॉर्नर्स में से कोई हवा लीक ना हो जाए। वैसे तो ज़्यादातर तो ये फिल्टर ही कर देगा हवा को, लीक होने के चांस ना नेग्लिजिबल होते हैं। रेडी हो गया हमारा रीयूज़ के लिए एकदम नीट एंड क्लीन न्यू एयर फिल्टर। चलो इसको बाइक में लगाते हैं नीचे अब। हाँ तो भाई हम पार्किंग में वापस आ गए, अब इस कवर को ज़रा हटाते हैं और एयर फिल्टर यहाँ पर अंदर इंसर्ट करते हैं। जब हम बोला था ना छोटे वाला अंदर चला जाएगा और बड़े वाला बाहर आ जाएगा, तो हमारा वैसे ही सेट हुआ बिल्कुल, बड़े वाला बाहर आ गया, छोटे वाला अंदर चला गया। अब इस कवर को वापस लगाना है इसके ऊपर, और एक एक करके सारे बोल्ट लगाता हूँ।
बॉक्सा ढक्कन लग गया हमारा, और चलो अब एक स्नैप के साथ वो भी लगाए थे। बूम, सो लग गया सब इसका, और ज़रा बाइक स्टार्ट करते हैं। ले भाई एक ही बार भी ठीक हो गई बाइक। ओके सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैंने दिखाया है इसमें कि मैंने क्या क्या बाइक में चेंज करे हैं उसको, सुपर मोटो में स्टांस में चेंज करने के लिए। एक चीज़ रह गई जो थे मिरर्स, वो मिरर्स मैं अभी फ़ोटो डाल दूंगा। मैं कुछ इस टाइप के मिरर्स में लगाने वाला हूँ, सो जल्दी मिरर्स का भी अरेंजमेंट करते हैं, फिर मिरर्स लगाता हूँ। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर किसी और को दिखानी है तो भाई वीडियो को जरूर शेयर करो उस बंदे के साथ, उसको दिखाओगे इंडिया में भी छोटी बाइक से तुम ये सब कर सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम्हें एक हायर सीसी या फिर हायर पावर की बाइक चाहिए। अगर तुम्हें सिर्फ बॉडी स्टाइल और डिज़ाइन से फ़र्क पड़ता है तो भाई तुम एक छोटी बाइक के साथ ये सब कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।